नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 की। और एडवोकेट एक्ट की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एडवोकेट एक्ट की हिस्ट्री से, फिर हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट के मेन फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में, और फिर हम देखेंगे एडवोकेट एक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1861 में द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास किया था, जिसको हम चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसने क्राउन को पावर दी, इनेबल किया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने की, और जिसके चलते जो क्राउन थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने इंडिया में हाई कोर्ट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए, और उन हाई कोर्ट्स को ऑथराइज किया गया, उनको एम्पावर किया गया कि वो एडवोकेट्स, अटॉर्नीज, जिनको हम सॉलिसिटर के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित कोई भी रूल्स बना सकते हैं उनकी इनरोलमेंट के लिए। और ऐसा ही हुआ। लीगल प्रैक्टिशनर से संबंधित जो लॉ हमारे सामने आए वो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, द बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट 1920 और इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926 जैसे कुछ एक्ट हमारे सामने आए। यानी कि दोस्तों, ये एक्ट थे एडवोकेट्स एक्ट से पहले एक्ट, जिनमें एडवोकेट से संबंधित उनकी इनरोलमेंट, क्वालिफिकेशन, एज से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए थे। ये बात कर रहे हैं हम आज़ादी से पहले की। आज़ादी के बाद जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस मुद्दे पर डीपली विचार किया, या कह सकते हैं कि गहन चिंता की, और इन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिया बदलती जा रही है, चेंजिंग सोसाइटी बनती जा रही है, इसके हिसाब से हमें एक्ट में और लॉ में भी चेंजेस थोड़े से लाने चाहिए। तो जिसके चलते इन्होंने ऑल इंडिया बार कमेटी बैठाई, जो कि 1953 में बैठाई गई थी, और इस कमेटी ने एडवोकेट्स की इनरोलमेंट, उनके रूल्स रेगुलेशन से संबंधित अपने विचार रखने शुरू कर दिए, और एक बिल इस कमेटी ने पार्लियामेंट में रखा, जो दोनों ही सदनों से पास हुआ। उसके बाद में प्रेसिडेंट की असेंट लगी, जिसने इस बिल से सारे पहले जो एक्ट थे, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट जैसे सभी एक्ट को रिपील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट्स एक्ट की, जो कि 1961 में पास किया गया था। ये थी एडवोकेट्स एक्ट की हिस्ट्री, कि कैसे वो ओरिजिन में आया, कैसे उसने अपने पिछले जो एक्ट थे उनको रिपील करके खुद एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद में इसमें टाइम टू टाइम में अमेंडमेंट होते रहे हैं, उन अमेंडमेंट को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट अमेंडमेंट इसमें 2019 में हुआ था, जब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होना शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं एडवोकेट्स एक्ट के मेन फीचर्स की। तो इसमें हमें कुछ फीचर्स देखने हैं एडवोकेट एक्ट के। पहला इसमें फीचर्स है कि इसने ऑल इंडिया बार काउंसिल जैसी बड़ी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया, और सभी एडवोकेट के लिए, या ये कहें जितने भी नए एडवोकेट्स बनकर आए थे, उनके लिए एक रोल तैयार किया। जैसे कि हम स्टेट बार काउंसिल्स में देखते हैं, जब न्यू एडवोकेट्स बनते हैं, या ये कहें कि जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में एडवोकेट बनते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं उस रोल के अंदर। इसके बाद में इसने उन एडवोकेट को प्रैक्टिस से संबंधित पावर दी कि वो एडवोकेट्स पूरी कंट्री में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन इसने एस्टेब्लिश किया, यानी कि दोस्तों, अब से पहले जो एक्ट थे वो स्टेट वाइड एक्ट थे। हमने देखा होगा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, बॉम्बे प्लीडर एक्ट, पर ये जो एक्ट आया एडवोकेट्स एक्ट, इसने यूनिफॉर्मिटी लेकर आया सभी एडवोकेट्स के लिए। इसके बाद में इस एक्ट ने सीनियर एडवोकेट्स और अदर एडवोकेट्स में डिविजन लेकर आया, ताकि के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिल सके। और लास्ट इसका मेन फीचर्स था, इस एक्ट ने ऑटोनोमस बार काउंसिल्स को इस्टेब्लिश किया, यानी कि दोस्तों, एक ऐसा बार काउंसिल होगा जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और हर एक स्टेट में प्रत्येक स्टेट के अपने अपने बार काउंसिल्स होंगे, जिसको हम स्टेट बार काउंसिल के नाम से जानते हैं, वो इस एक्ट ने इस्टेब्लिश किए, या ये कहें इस एक्ट के थ्रू उनका क्रिएशन हुआ। तो ये थी बात एडवोकेट्स एक्ट की हिस्ट्री और उसके मेन फीचर्स की। अब हम बात करते हैं एडवोकेट एक्ट के क्विक इंट्रोडक्शन की।
सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा। तो दोस्तों इस एक्ट को द एडवोकेट्स एक्ट 1961 कहा जाएगा या कहा जाता है। बात करें कि कहां तक एक्सटेंड करता है, तो जैसे कि हमने बताया कि 2019 में इसमें अमेंडमेंट आया था और उसके बाद से ये द होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है, यानी कि पूरे भारत में एक्सटेंड करता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी कि ये एक्ट जो है कब बनके तैयार हुआ था, 19 मई 1961 में ये एक्ट जो है बनकर तैयार हुआ था। इस एक्ट का नंबर क्या था, तो ये 25 नंबर था 1961 का, यानी कि 25 ऑफ 1961। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो दोस्तों द एडवोकेट्स एक्ट में टोटल 60 सेक्शंस हैं जिनको टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अभी ये इस वीडियो का बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने एडवोकेट्स एक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम इसको डीपली शुरू करेंगे और एक एक क्वेरी जो आपकी होगी एडवोकेट से संबंधित, एडवोकेट्स एक्ट से संबंधित, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि कि उन्हें भी एडवोकेट्स एक्ट से संबंधित कोई जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो हमें वहाँ मैसेज करके भी अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दो यार, ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।